गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 20 अक्टूबर 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:25 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा एक साइडवेज मार्केट निफ्टी इंडेक्स में, जो फ्राइडे को हमने देखा था एक चॉपीनेस, वो कंटिन्यू मंडे को भी हमें देखने को मिला। हालांकि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो निफ्टी में मूवमेंट था वो एक साइडवेज पैटर्न में हमें ट्रेड करते हुए देखा। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 19 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,820 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,718। तो जैसे कि आप देख पा रहे, शुरू में तो निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, ये जो सेकंड टारगेट है ऑलमोस्ट उसी के पास ओपन हुआ, तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया, तभी इसने फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दोनों भी अचीव कर लिए। सेकेंड टाइम जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो फिर से इसने एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट किया। दो बार इसने सपोर्ट टेस्ट किया और बाउंस बैक हुआ, और एग्जैक्ट ऊपर सेकेंड टारगेट था उसी के पास इसने रेजिस्टेंस लिया और ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास ये क्लोज भी हुआ है। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। कल एक बार फिर से काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में ज़बरदस्त एक गिरावट देखने को मिली, 300 पॉइंट की गिरावट थी शुरू में, और बाद में देखे तो संभल कर ये 192 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ नासडैक। यूरोपियन बाजार भी देखे तो जो फ्राइडे को हमने यहाँ पर तेजी दिखी थी उसके बाद फिर से एक बार लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे। एशियाई बाजार देखें तो एसजीएक्स निफ्टी 63 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है इस समय, और लगभग सभी एशियाई बाजार इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो 76 पॉइंट की इस समय बढ़त दिखा रहा है, लेकिन एशियाई बाजार देखें तो इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कल एक न्यूज आई थी कि चाइना बॉर्डर पे जो चाइना के सोल्जर्स है वो इंडिया ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ने का भी एक न्यूज बार बार आ रहा था। लेकिन ये जो बॉर्डर के ऊपर टेंशन से असली वहाँ पर माहौल क्या चल रहा है, जब तक न्यूज़ में क्लैरिटी नहीं आती तब तक एक पैनिक इन्वेस्टर्स के बीच में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दूसरा है यूरोप में कई जगहों पर फिर से एक बार कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आने की खबरें हैं, तो कुछ इलाकों में फिर से वहाँ पर एक कर्फ्यू जारी कर दिया गया है, लॉकडाउन जैसा है। तो यूरोपियन मार्केट्स भी लगातार लास्ट वन मंथ से कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। चलते निफ्टी की चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। अगर आप देखें तो इसने ये जो 38.2% का लेवल है यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके ये कुछ रिकवरी बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। कल का कैंडल देखें तो दोजी जैसा कैंडलस्टिक बना है, यानी जहां पर ओपन हुआ है उसी लेवल के पास आके ये ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। तो यहां पर इंडिसिजिव पैटर्न है, ना बुल जीत पा रहे ना बेयर जीत पा रहे। ये जो रेड कैंडल थी थर्सडे का, ये जो रेड कैंडल था ये ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की गिरावट इस कैंडल में हमें देखने को मिली थी, और सिमिलर ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज यहाँ पर एक रिकवरी, एक बाउंस बैक होने की कोशिश हो रही थी, रिकवरी थी। ये अपसाइड मूव इसे नहीं कहा जाएगा, इसे रिकवरी कहा जाएगा, एक बाउंस बैक होने की कोशिश। इतना फॉल आने के बाद ये बाउंस बैक, ये अपसाइड मूव के हमें सिग्नल नहीं देता, ये रिकवरी का फेज होता है। और उसके बाद हमने देखा यहाँ से और थोड़ी गिरावट बढ़ गई, उसी तरह अभी यहाँ पर सिमिलर फेज हो सकता है कि ये यहाँ से फिर से एक रिकवरी बाउंस बैक करने की कोशिश, और फिर से ये एक बार फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आ सकते हैं, और फिर यहाँ पर ये इस तरह से हायर बॉटम्स क्रिएट करके हमें अपसाइड मूव का एक कंफर्मेशन सिग्नल यहाँ पर मिल सकता है। अभी फिलहाल ये जब तक रेड कैंडल है इसका अगर जब तक हाई ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये अपसाइड मूवमेंट में कन्वर्ट हो सकता है।
जब तक ये फिर से हायर बॉटम्स ना बनाए तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि यहाँ से अपसाइड मूव फिर से एक बार हमें देखने को मिल सकती है। अभी भी ये जो रेड कैंडल है इसका प्रेशर बना हुआ है, ये रिकवरी फेज है, ये डेली चार्ट का सीनर है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स हम देख रहे हैं लास्ट दो दिन से एक बाउंस बैक दिखा रहे हैं, तो ये जो फॉल आया था ये थर्सडे वाला फॉल है, इसका अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल निकाले ये हाई और ये लो पकड़ के, तो आप देख सकते हैं कल एग्जैक्ट 61.8% का ये जो लेवल है इसी के पास इसने ये सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट किया है, इस तरह से सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पर इसने फेस किया है। तो ये जो लेवल है 61.8% यहाँ से और 50% का ये जो लेवल है यहाँ से, हमेशा देखा गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। तो अभी ये जो शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आया था, हो सकता है यहाँ से फिर से हमें एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ एक मूव देखने को मिले। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स अगर देखने हैं तो अगर ये कल का ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था, यानी 11,883 के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था। पास्ट में भी दे सकते हैं आपने, इसने कई मौकों पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। तो इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है यानी 11,883 के ऊपर, तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक क्विकली छोटा टारगेट होगा 11,898, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,914, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो काफ़ी सारे मल्टीपल सपोर्ट लेवल से, पहले तो यहाँ पर है, ये देखिए इस लेवल के पास इसने काफ़ी देर आर्ली चार्ट में आप देख सकते हैं सपोर्ट टेस्ट किया हुआ है इस लेवल के पास। उसके तुरंत नीचे 20 EMA का पिंक लाइन है, फिर उसके नीचे 50 EMA का ब्लू लाइन है। तो ये जो लेवल से इनको कम्फर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, यानी 11,800 के नीचे निफ्टी इंडेक्स अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,776, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,754, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें, गैप डाउन गैप अप ओपनिंग में ट्रेड करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो वेट एंड वॉच करें। जब तक फिर से एक बार दोबारा ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो अब तक वेट करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये था आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अब स्टॉक्स की भी एक ऑफर है ज़रूर वो देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।